ये आपण की नियम करछन सर एम्प्लॉय मानले एम तोड नियम करी आपण के ठीक करनन सर एटा आपण उद्देश्यमूलक भार करछन ये नियम आपण लागू करि परबेनी एटा को आपण को चेंज करियो पड़ी रघु बाबू विराज बाबू को एमती कहवापी आपणकर सास है कमी ता छड़ा सार तांको कर्मचारी को पाई जो नियम करंतु ना काहेकि सेति पाई आपण प्रतिवाद करियो नंदिनु रे एम्प्लॉय मानुल को आपण थरे पढंतु तापर आपण निजे ठीक भूल बुझिजिबे तुम्हें एका एका पढ़ु जे मत भी टिके कह से कौन लिखाई लिखाई कौन से कर्मचारी संपर्क प्रत्यक्ष भाव कि परोक्ष भाव विराज बाबू को कंपनी सह व्यवसाय करे ना हेलो रघु बाबू ए नियम को लेकिन आपण असुविधा रोचे असुविधा अच्छी भवानी बाबू असुविधा अच्छी सर आप एमती कहीं नियम कले ये नियम करने पचर आपणर कि उद्देश्य अच्छी उद्देश्य उद्देश्य भाषा तो आपण ही बुझे रघु बाबू मु तो खाली मो कंपनी रो भलो पई गोटे रूल करी छी खाली मु काई की एमती सब कंपनी करंती बिजनेस रे निजर संपर्कीय मान को फेवर न करिबा पई आउ निरपेक्षता बजाय रखिबा पई एमती रूल करा जाए किए कोन कला क्षेत्र मोर जायस नै आपण हटा देमती काहे कि नियम कले आपण को प्रश्न रो उत्तर दवा पई मु बाध्य नहि तथापि भी मु आपण को प्रश्न रो उत्तर दे सारि छी आपण बहुत बड़ा भूल करछन विराज भूल करि छी भूल ठीक रो सर्टिफिकेट आपण मते देबे से अधिकार तो मुझे देनी कितु कितु नंदिनी पे नियम लागू हो पार सामंतराय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रो प्रत्येक एम्प्लॉय पाई ए रूल लागू हो सारी नंदिनी से केमती बात पड़े आदि सेमती हुए ताहले नंदिनी को चाकरी छाड़ा पड़ो ये नियम बदली पार्बन यटा मोर शेष कथा बाकी आपण ताले ठीक अच्छे एवं मोर गोटे शेष कथा शुणी तो भवानी हम ये बाहागर यही मुहूर्त रु भांगी गला रघुबाबू रघुबाबू सुन तो रंजना तू टे रघुबाबू को बुझा सी एम के पारे रंजना
आपणकर ए नुआ नियमर उद्देश्य मु बुझी सारिछि सर। अरे एफएम आगे सर नंदिनी मैडम को से पेपर्स दे दीजु। आगे सर फिर जात सर गोटे कथा कोई बार थला कौन सर ये बीरज सर को मु नंदिनी मैडम को घरे देखी थी चुप एकदम चुप एक जमी का न कह जहाँ देखी निजे भितर रख मुह खोल बहुत असुविधा हो जाए बुझेगा आज्ञा सर जा लेंका बाबू प्लीज आपण मत कहे कि ये कौन चलती ये ड्रामा केबे बंद हबो माने 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 सर से केते दिन रहिबे से नंदिनी घरे फाइन फाइन लेंका बाबू मु बुझिगली आपण मुह खोल के किसी कहवा दरकार ना तो मैंने नंदिनी मत जो प्रमिस कर भांगी दे बुझिगली को प्रमिस किछु ओ बिराज सर दूरे रहीबार प्रमिस तो भांगी सारी ट्विंगल किंतु तमे एथिपे नंदिनी को किसी कहबन कि तार असुविधा करने को चेस्ट करें कहीं तार किसी दोष ना अरे नंदिनी सारक जाए कि सार को निज पाक डाकनी बर विराज सर निजे नंदिनी पाक जापाई तुम्हें विराज सर को पनिशमेंट दे पारे ना दे पार आम घर चा तैयारी करे आपन को टेस्ट केमती कौन देखले अदा अति इच्छा चले ही जीव तो सारे आम घर मणिक अदार भाग माप जाणी ना देखिए एथर चार टेस्ट पूरा बदली जीव नंदिनी हाँ एटा पके दियो
बंद कर तुम से गीत कि बापा हो तुम्हें झीर बाहर भांगी गला तुम ये गीत बजे नाचुच झीर बाहर भांगी जावा शुणी तुम खुशी हो तुम्हें जल्दी जा रघु बाबू संगे कथा हुआ बुझे चेष्टा कर रागरे से सेमती कहीदे तुम्हें टी बुझेदे से बुझीजे आग शांत हो घरवाणी सी नुहे तुम्हें टी बुझा दरकार कौन किसी कहल तुम्हें ना ना कि ना ए विषय मुझे आगे भावे मुझे ये मारे मो पाई कब चा आनलु मत लगुच रघु बाबा सांगे कथा तुम इच्छा नहीं इड सुड बाहाना मार्च ठीक अच्छे तुम्हें जदि जीवन तेल मुझे मु रघु बाबा को बुझेबी मो झीर बाहर मु भांगे देवी मुझे बुझे अरे घर मणि शुण बापा तुम्हें टे बुझ चेष्टा कर चुप कर भारी बुझे वाला है बापा को बुझे नहीं रंजना तू टे रघु बाबू को कहलु सी बाघर भांगे तू टे बुझा कौन कह नानी कहवाई तुम्हें मैंने किसी बाकी रखीच नंदिनी पाई मो भाई कौन नकले हेले तमे माने अढ़े लक्ष टकर साड़ी किणिले तीन लक्ष टकर मंगलसूत्र भी किणिले अनुराग दसटा चेन भी आनला ये बाहाघर को धूमधाम रे करिया पे मो भाई केते कौन भाभी थिले आज से हजार कार्ड छपे पे आडवांस दवा पे जाई थांदे हेले गोटे जीत पे सब किछि एपट सपट हो गला भाई थरे निष्पत्ति नहीं जाइछन माने ए बाहागर कदा भी हो पारिबनी नाई रंजना तू एमती कहना लु नंदिनी बाहागर को नहीं मुते आशा बांधि केते स्वप्न देखी मो मन बाहागर भागी दे सही पारिबनी लो तू टिके बुझा जा सब होगा से हाथ जोड़ी क्षमा मगुच आपत बड़े कठोर निष्पत्ति बाहर भांगतुनि भांगतुनि बाहर पुष्पादेवी आपस्त हूँ मुझे रघु बाबू नंदिनी एम्प्लॉय मैनुअल जो नुआ रूल लिखाई से असुविधा होती आप नंदिनी बाहर भांगी दूसरी ना ठीक अच्छे मुझे कम कर नुआ रूलटा को एम्प्लॉय मैनुअल रू बाहर करने ऑफिस को खबर पठाई दूसरी ना कौन कौन सर आप सत कहते आप रूल को काटिदे हाँ कहीं पारे नहीं नंदिनी अरोरा बाघर उपर गोटे क्वेश्चन उठी मुटिदेवि तो बाघर निश्चय हम ताहले ये सांगे सांगे मुझ सबू कार्ड छपे में पठे दौ ये बाहर पूरा धूमधाम रहा।
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଘୁବାବୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଅନୁରାଗ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରଘୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ନାନି, ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେବଳ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ଅନୁରାଗର ବାହାଘର ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ କରିଦିଅ। ସିଏ ନନ୍ଦିନୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି। ସେ ମୋ ନନ୍ଦିନୀକୁ ବୋହୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର ମୋ ଝିଅର ଚାକିରି ଉପରେ ଲୋଭ ଥିଲା। ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ରଘୁବାବୁ? ହଁ, ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିଲେ? ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖି ମୋ ଝିଅକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏମିତି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲାନି? ଟଙ୍କା କମେଇବେ ବୋଲି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଆପଣ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସଉଦା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋ ନନ୍ଦିନୀକୁ ବୋହୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଆପଣ? ବୋହୁ ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ, ଆଉ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଖା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଲୁଚିକି ରହିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଖାଲି ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏ ଦୁନିଆର କୋଉ ବି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ନ ଆସୁ। ଗୋଟେ ନାରୀକୁ
ସବୁବେଳେ ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ତା ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ବି କେତେ ବଡ ମୂର୍ଖ ଥିଲି କେଜେ, ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁହର ସମୁଦ୍ରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି।